नहीं, हॉस्पिटल में बिलेट नहीं है तो मैडम आप मतलब पेशेंट को उसके परिजनों को बिलेट के लिए भेज रहे हो? नहीं, हॉस्पिटल में बिलेट नहीं होती क्या? मधुबल सिंह तोमर। कहाँ रहते हो? मैं ईसागढ़ रहता हूँ। गाँव एक पेशेंट लेने आया था ऑटो से, जब डिलीवरी हुई थी मैंने यहाँ आके देखा, रोड पे खड़ा था मेरा ऑटो, दूर से ही मैंने देखा तो रोड के पास में एक डिलीवरी हो गई एक बाइक है रास्ता में। तो साथ मेरे आतना एक लड़का, मैंने कहा भैया ले आने, तो भैया तुम देखो बात, रोड पर डिलीवरी हो रही है, रास्ता में डिलीवरी हो गई बाइक है। हमने पूछा तलाश करें, कोई सिस्टर मैडम आई नहीं आए, तो भैया जहाँ कोई है ही नहीं है। तो लगभग 15-20 मिनट तक रोड पर ही डरी रही बेचारे लेडीज। नहीं, आपने जैसे ही मेरे को जानकारी दी, मैंने अपने डीएमओ डॉक्टर उपाध्याय से बात की, उन्होंने बताया कि वो महिला अनीता जो कि 27 साल की उम्र थी, ये गोलाखेड़ा गांव की रहने वाली थी, उसको ये अपनी प्राइवेट गाड़ी से अस्पताल में लेकर आ रहे थे, तो अस्पताल के गेट के आसपास गाड़ी में ही डिलीवरी हो गई, उसको अस्पताल में भर्ती किया, उसको मैनेज किया, तो पता लगा उसमें कि उसकी जो डिलीवरी जो डेट थी उससे लगभग 1.5 महीना पहले उसका प्रसव हो गया। तो बाकी अस्पताल में पूरा मैनेज किया गया, मैनेज करने के बाद चूंकि बच्चा कमजोर था तो उसको विदिशा जिला चिकित्सालय के लिए ICU के लिए उसको रेफर किया हुआ, बाकी बच्चे की और महिला की स्थिति ठीक है। मौके पर लोगों का, प्रत्यक्ष दर्शियों का ये कहना है कि हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं था वहां पर, जिसके चलते बच्चे का जन्म वहीं हो गया। नहीं, वो हॉस्पिटल तक पहुंचे ही नहीं थे, मैंने ये बात आपके सामने डीएमओ से की है, हॉस्पिटल के अंदर तक नहीं पहुंच पाए थे, और डीएमओ खुद है वहीं उसी जगह पर है, उससे मैंने पूरी जानकारी ली है, उसको मैनेज किया गया अस्पताल में, और मैनेज करने के बाद महिला एकदम स्वस्थ है, उसका हीमोग्लोबिन भी 11.4 है, ये सामान्य तौर पे अपनी महिलाओं में 11.4 होना मतलब एब्सोल्युटली नॉर्मल कंडीशन कहलाता है। और इसको, इस गर्भवती महिला को पोर्टल पर RCS एनुअल पोर्टल होता है, वहां भी जांच करने के बाद उस पर चढ़ा दिया जाता है, तो मतलब ये जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसकी प्रसव 1.5 महीने पूर्व ही हो गया, ये अचानक हुआ, इसलिए उसको यहाँ लाना पड़ा अस्पताल में, लेटरी में, और गेट तक पहुंचते पहुंचते उसका प्रसव हो गया।